नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश ढाकड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार में, और हिसार में आपको बता दूँ कि हर किसी का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी बने, सेना में जाए और नेवी में जाए या फिर एयरफोर्स में जाए। तो इसी सपने को अगर आपका बच्चा भी ये सपना सोचता है या आप भी ये सपना सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है वो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बदलने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार में, और हिसार की एक बार पहले भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी अथर्वा डिफेंस एकेडमी की, कि एक लड़की जो है वो आर्मी के अंदर ऑफिसर बनकर के आई थी, उसका भव्य स्वागत किया गया था। इसी कड़ी में अथर्वा डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो है वो एक अगला कदम जो है वो उठाया गया, जिसमें इस बार लड़की नहीं बल्कि दो लड़के हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाले हैं। इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके बच्चे जो है वो आर्मी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर एक बड़े ऑफिसर के पद पर तैनात होंगे, और वो आज जो है वो तैनात हो चुके हैं। इसके पीछे रीजन की अगर बात करूं तो इनकी खुद की मेहनत है और अथर्वा डिफेंस एकेडमी का एक प्रयास है। चलिए बातचीत करते हैं। नाम है अंकुर चांगड़ा। कहाँ से आप? सर, शिवानी मंडी से। शिवानी मंडी से हैं। तो अंकुर, अगर हम जानना चाहें तो फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कैसा है फैमिली बैकग्राउंड? पापा कारपेंटर थे और मम्मी हाउसवाइफ हैं। छोटे भाई हैं, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो सब मिडिल क्लास फैमिली हैं, बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? अभी एयरफोर्स में एज फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर हुआ है। तो कभी सोचा था कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ कभी जहाज भी उड़ा सकेगा? सर, वो सपना लिया था तभी आज यहाँ खड़े हैं। इतनी मेहनत की है, सबका साथ रहा है, तो फाइनली वो ड्रीम जो अचीव किया है। सपने सभी लेते हैं, लेकिन उनका सपना जो है वो किसी किसी का पूरा हो पाता है। तो आपका ये सपना पूरा करने के पीछे आप जो है वो इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो क्रेडिट मेरी फैमिली को है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। 5 साल से मैं इसकी तैयारी में लगा हूँ, तो उन्होंने एक बार भी प्रेशर नहीं डाला कि आप कुछ और ट्राई कीजिए। और फिर अथर्वा डिफेंस एकेडमी का और अनिल सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, और फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि आप ये कर सकते हैं, आप में वो जील है, तो आज इस एज ए फ्लाइंग ऑफिसर हम यहाँ पे खड़े हैं। अथर्वा डिफेंस एकेडमी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज जो है वो एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे, किस तरह से एकेडमी जो है वो ये पढ़ाती है, किस तरह से तैयारी? सर, यहाँ का स्टाफ बहुत ही डेडिकेटेड है, स्टूडेंट्स को अच्छे से मोटिवेट करते हैं, उनको एजुकेशन अच्छी देते हैं, उनकी हर एक पार्ट को चेक किया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, फिजिकल ट्रेनिंग से लगा लीजिए, और एक मोटिवेशन हो गया, हर एक टाइप से आपको चेक किया जाता है, और जहाँ भी कमी रहती है उसको सुधारा जाता है और बच्चे को अच्छे से गाइड किया जाता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। एक युवा साथी और है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? लेफ्टिनेंट अक्षय स्वामी। लेफ्टिनेंट अक्षय स्वामी, इससे पहले ये अक्षय स्वामी थे, लेकिन आज जो है वो इनके नाम के आगे लेफ्टिनेंट लग चुका है। तो इसका रीज़न क्या है? अथर्वा डिफेंस एकेडमी है। अच्छा, तो लेफ्टिनेंट साहब ये बताइएगा कहाँ से रहने वाले हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मैं मिलगेट हिसार का रहने वाला हूँ। मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, मेरी एक छोटी बहन है वो अभी MBBS कर रही है जॉर्जिया से। अच्छा, तो आपने जो है वो ये सपना कितने साल पहले संजोया था कि मुझे लेफ्टिनेंट बनना है, या कोई और बनने की प्लानिंग थी? ये मैंने 12वीं में ही सोचा था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा, और एक बार जब सोचा तो फिर उससे पीछे नहीं हटा, ज्वाइन किया NDA, उसके बाद 1 साल IMA में भी ट्रेनिंग की और अब लेफ्टिनेंट बन गया। ठीक है, मेहनत कितनी करनी पड़ी लेफ्टिनेंट बनने की? सबसे पहले तो सिलेक्शन के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी है, इंटरव्यू भी देना है, उसके बाद NDA में भी 3 साल ट्रेनिंग करनी है, फिजिकल बहुत ज़्यादा होता है, मेडिकल मेंटल स्ट्रेस होता है, साथ के साथ वहाँ पे भी BSc कराते हैं तो पढ़ाई का भी जोर है, और फिर उसके बाद एक साल डिप्लोमा करते हैं देहरादून में डिफेंस स्टडीज़ का, और उसके बाद फाइनली आज यहाँ पे खड़ा हूँ लेफ्टिनेंट बनने। ठीक है, कितनी बार आपने प्रयास किया लेफ्टिनेंट बनने? मैंने 12th में ही पहली बार अटेम्प्ट में ही सर्विंग, जब मैं 12th अपीयरिंग था तभी NDA क्लियर कर लिया था। पहली बार में क्लियर कर लिया था, ठीक है, शुक्रिया। सर, आपसे अगर जानना चाहूँ तो आपने जो है वो कितनी बार प्रयास किए, या पहले प्रयास में हो गए? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था सर। अच्छा, यस सर। 5वीं बार में आपका ये जा करके सपना पूरा हुआ? यस सर। अच्छा, तो इससे पहले जब आपने 4 बार जो है वो फेल हो चुके थे, या निराशा हाथ नहीं लगी कि कहीं ना कहीं छोड़ यार, नहीं करते, कोई और ट्राई करते? सर, मेरे दूसरे अटेम्प्ट में जब मैं मेरिट आउट हुआ था तब थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था कि एकदम से जॉब हाथ में लग के छूट रह गए, लेकिन उसके बाद भी दोबारा से सर ने मोटिवेट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, तो फिर से वो जील पैदा हुई मन में कि हाँ फिर से लगते हैं, और दोबारा से ट्राई किया
और फाइनली वो अचीव कर लिया था। वो कहते हैं कि मच ना रीस कर, तो आप मचे नहीं, आपने रीस की और रीस की तो आज ये सक्सेस हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। ये माताजी हैं लेफ्टिनेंट साहब की, और एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा पल या तो उसके बच्चे की शादी होती है तब होती है, या फिर जब उसका बच्चा जो है वो ऑफिसर लगता है तब होती है। तो लेफ्टिनेंट की माता बन चुकी हैं, तो इनसे जानते हैं मैम, अगर बात करें तो क्योंकि घर में काम वाम भी ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपने कभी इनको ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई को एक बार छोड़ दो, काम करो, ये करो? नहीं सर, बच्चों की पढ़ाई पहले थी, क्योंकि उसी से उनका करियर बनता है। काम के लिए तो हम थे घर में। ठीक है, बच्चे पढ़ने के लिए, काम के लिए आप हैं। हाँ जी। अच्छा। तो अब क्या कुछ कहना चाहेंगे, अभी लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, पहले ही प्रयास में सफलता हासिल है, इसीलिए तो ज़्यादा बर्डन नहीं देना पड़ा, बच्चे ने फर्स्ट टाइम में ही कर लिया क्लियर, तो मतलब ये भी ना हो कि उसको बार बार बोलना पड़े किसी चीज़ के लिए। आज हम बहुत खुश हैं अपने बच्चे की अचीवमेंट से। बाकी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहिए? तो यही कहेंगे कि बच्चे का साथ दे, सपोर्ट करे, पेरेंट्स की जो सपोर्ट है वो बच्चे को सबसे ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत होती है, तो हर बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है, तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे को सपोर्ट दे। शुक्रिया बातचीत के लिए। लेफ्टिनेंट साहब के जो है पिताजी भी हैं, सर अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा ये बने, ये बने, ये लेफ्टिनेंट बनने का सपना आपका था या आपके बच्चे का? बच्चे का था। तो आपका क्या सपना था कि मेरा बच्चा क्या बने? मैं ये नो डाउट ये होशियार था पढ़ाई में शुरू से ही, और ये तो कन्फर्म था कुछ बनेगा, अब बनेगा क्या वो पता नहीं। अच्छा। मतलब तो, कि आपने अपनी इच्छा बच्चे पे नहीं थोपी? नहीं, इसने उसी साल प्लस टू की, उसी साल जेई मेंस में 96.10% थे, उसी साल NDA क्लियर किया। अच्छा। तो मैं तो बल्कि ये चाह रहा था इसको और पढ़ दूँ IAS IPS की आगे तैयारी कर, लेकिन नहीं इसने वहाँ लिया, लेकिन अच्छा किया जो बच्चे ने, है ना, बहुत बढ़िया बच्चे का रहा, अच्छा बच्चा शुरू से होशियार था। इससे छोटी बेटी है वो भी MBBS कर रही है, दो ही बच्चे हैं, तो भगवान ने बच्चे अच्छे दिए हैं, और साथ में अथर्वा का इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने अच्छी जो है गाइड किया, आज बच्चा जो है इस मुकाम पे। मतलब कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो मन को पढ़िए, बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उस दिशा में शायद वो ज़्यादा मूव कर पाए। हाँ बच्चे का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो इसने स्टार्टिंग इसका एम तो था IIT का था, जो उसने किया, बाद में इसने जो है चेंज किया। मैं UN में, NATO में सेवाएं दे चुका हूँ एज ए सिविलियन, अमेरिकन बेस्ड कंपनी था उसका एम्प्लॉय था, 14 कंट्री में रहा हूँ, जॉब की है, बाहर रहा हूँ, तो इसका भी इस पर काफ़ी है ना इफेक्ट गया है। बिल्कुल, इसने वो लाइफस्टाइल देखी है, तो हो सकता है उसकी वजह से इसने NDA चूज किया। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक अथर्वा डिफेंस एकेडमी की जो उपलब्धियाँ हैं उनकी तरफ एक बार लेकर के जाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो पूरा दिखाने की मैंने बात आपको कही थी, तो वो पूरा इसी यही रीज़न है कि इसमें अथर्वा डिफेंस एकेडमी की तमाम उपलब्धियाँ आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये ग्रामीण एरिया से जो छात्र हैं वो आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो यहाँ पे एरो का निशान लगा रखा है, ये कुणाल चौरान हैं जो कि फतेहाबाद के गाँव के रहने वाले हैं, बनवाले के। ये जो है वो आर्मी ऑफिसर बने हैं। उसके बाद ये देखिएगा, अपनी स्माइल के साथ जो है वो एक ऑफिसर ये हैं जो मेजर अमरदीप सिहाग जी हैं, और ये जो है वो मेजर बने हैं आर्मी के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, लेफ्टिनेंट अक्षत स्वामी जी हैं और अंकुर जांगड़ा जी हैं, जिनसे अभी अभी हमने जो है वो बातचीत की थी, ये हैं। और उसके बाद ये अगर अथर्वा डिफेंस अकेडमी की उपलब्धियों की बात करूँ तो इंडिया जो है वो अंडर 50 रैंक जो है वो बच्चों के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा, 4th रैंक NDA में है, 11वां रैंक CDS में है, 22वां रैंक NDA में है, 12वां रैंक CDS, 41वां रैंक TES और 9वां रैंक NDA, 21वां रैंक TES और 42वां रैंक NDA, यानी कि 50 से कम भी रैंक जो है वो इस अकेडमी के बच्चों के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद ये देखिएगा, ये NDA 4th रैंक जो है वो प्रभात सिंह राजपूत जो है वो नेवी के अंदर परेड कमांडर जो है वो बने हैं। ये देखिएगा ये तस्वीर, ये सारी की सारी उपलब्धियां जो है वो अथर्वा डिफेंस एकेडमी की है। और ये अथर्वा के ऐतिहासिक पलों में से एक पल वो था जब एवरेस्ट गर्ल शिवांगी पाठक ने राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो हासिल किया था। ये भी एक अथर्वा डिफेंस एकेडमी के लिए ऐतिहासिक पल है। चलिए, अब अथर्वा डिफेंस एकेडमी के संचालक हैं, ओनर हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, मेरे कैमरा पे आपकी दूसरी उपलब्धि जो है वो ये अथर्वा डिफेंस एकेडमी की। चलो आगे आते हैं, टाइम में आपको तीसरी चौथी उपलब्धि भी देंगे।
ठीक है सर, अगर बात करें तो ये अथर्वा डिफेंस एकेडमी कब शुरू की गई, कैसे यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, थोड़ी सी अगर ब्रीफिंग में जानना चाहूँ तो क्या? ये जो एकेडमी की शुरुआत है अथर्वा डिफेंस एकेडमी की, ये एक नींव पर आधारित है और नींव ये थी कि हमने आर्म फोर्सेज के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है मनोवैज्ञानिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। तो 2011 में हमने इसकी शुरुआत की, सितंबर 2011 में, और आज 12 साल हो चुके हैं। और एकेडमी का एक रूल रेगुलेशंस जो है, एक प्रोटोकॉल है जो हम डिसिप्लिन पे काम करते हैं, और डिसिप्लिन बच्चों को ही हम यहाँ पर मतलब लेते हैं, इनटेक करते हैं। और हमारा जो रूटीन है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर कमांडो ट्रेनर जो आर्म्ड फोर्सेज के अंदर ऑलरेडी रह चुके हैं वो मतलब अपनी सेवाएँ देते हैं। उसके बाद 9 बजे से इनकी क्लासेस स्टार्ट होती है, 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक चलती है क्लासेस, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर शाम को इनकी सेल्फ स्टडी चलती है, फिर खाना पीना इस तरीके से, रात को 10:30-11 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह 4 बजे 5 बजे दोबारा उठ जाते हैं। ठीक है, केवल लड़कों के लिए ये एकेडमी है या लड़कियां भी हैं? सर अभी 2 साल से एनडीए के लिए जो है गर्ल्स भी अप्लाई कर रही हैं, और अभी 2 साल से जो है बच्चियाँ जा रही हैं। तो हमारे पास एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, एनडीए, नेवी SSR और कोस्ट गार्ड्स के लिए बच्चियाँ भी आ रही है। तो बच्चों में जो लड़कियाँ हैं और लड़के हैं उन दोनों के लिए हॉस्टल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। यानी कि रहने की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? सर बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। अब अगर उपलब्धियों की बात करें तो सर अब तक एकेडमी जो है वो कितने ऑफिसर जो है वो देश की सेवा में दे चुके हैं? लगभग 250 से ऊपर हम ऑफिसर्स दे चुके हैं, वर्कशॉप को मिला के और इंडिविजुअल कोचिंग्स के हिसाब से और ग्रुप कोचिंग के हिसाब से। SSB की अगर हम बात करें, रिटर्न के बाद की अगर हम बात करें, ऑफिसर्स तो ये हैं, और हज़ारों की तादाद में हम जो हैं वो सोल्जर्स दे चुके हैं, जो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के अंदर, कोस्ट गार्ड के अंदर और नेवी SSR में। जी ठीक है, तो अभिभावक जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चिंतित हैं कि हमारे बच्चे जो है वो आने वाले समय में क्या करें, तो उन तमाम अभिभावकों को, पेरेंट्स को जो है वो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, पहले तो बच्चा क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों से बड़ा जो पेरेंट्स है उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता है। और उनको ये पहचानना होगा कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्या उमंग है, क्या तरंग है। बचपन पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे का नेक्स्ट मूव होना चाहिए। और 8वीं तक आते आते 9वीं 10वीं के अंदर बच्चे का ये निर्धारण हो जाना चाहिए कि उसको किस लाइन में जाना है। और अगर उसको डिफेंस में जाना है और ऑफिसर बनना है, तो मैं कहता हूँ कि 17 साल से 21 साल के बीच की जो उम्र है, जो क्रिटिकल स्टेज होती है, इसमें जब बच्चा छोटी सी उम्र में ऑफिसर लग जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अथर्वा डिफेंस अकेडमी में, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने बच्चे सर बन के जाते हैं यहाँ से, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब उनको जो है बच्चों को छोटी सी उम्र में ऑफिसर बनाएं, उनको प्रेरित करें और देशभक्ति के लिए जागृत करें। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। स्टाफ सदस्य और हमारे साथ मौजूद है जो कि इस अकेडमी की रीढ़ की हड्डी इनको कहा जा सकता है। सर बच्चों पे या पर अभिभावकों पे एक प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कोई कोई चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो उन तमाम अभिभावकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे को जो है वो क्या बनना चाहिए, जो बच्चा सोचता है वो बनना चाहिए, जो पेरेंट्स सोचते हैं? पहले तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि किसी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्रेशर डालने से बच्चा ना उधर का सोचता है ना उधर का सोचता है। हमारे यहाँ जो हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं वो अफसर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, शार्ट में उनको OLQ बोलते हैं, वो चीज़ें हम बच्चे में यहाँ आना, हमारे पास आने के बाद वो ऐसे ही नहीं पकड़ लेते, आ जा भाई बैठ जा हमारे दाखिला लेने। हम बच्चे का काउंसलिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसके दिमाग में क्या है, ये क्या कर सकता है, उसके हिसाब से फिर हम ले कर चलते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं जैसा भी मतलब उसको ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें नई होती हैं जो हमको उनमें डेवलप करने, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये चीज़ें सबसे बड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें फिर इंटरव्यू टेक्निक है, आर्मी का इंटरव्यू टेक्निक बाकी है इंटरव्यू से डिफरेंट उससे, तो वो चीज़ हम इनके अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सर अगर बात करें तो कोई बच्चा अगर उसके मन के अंदर ये है कि मैंने तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके अभिभावक चाहते हैं कि वो जो है वो आर्मी ऑफिसर बने, वो बच्चा अगर सपोज करो आपके पास आ जाता है, तो उसको जो है वो इस लिहाज से कैसे प्रिपेयर किया जाएगा या नहीं किया? नहीं नहीं देखिए उसमें ऐसा है, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। अभी व्हाट इज द बैक ऑफ माइंड ऑफ द जेंटलमैन, उसको निकालना पड़ता है कि भाई आर्मी ऑफिसर के लिए फिट है या उसके लिए फिट है, उसके लिए फिट है। हमारी कोशिश यही रहती है, हम उनको बताते हैं कि भाई आप फौज में जाएंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, वो फैसिलिटीज़ उनको बताते हैं। उसको बोलते हैं कि तू कम से कम भी नहीं तो 40-45% तेरे अंदर है गुण के तू ऑफिसर बन जाएगा, बाकी हमारा काम वो फिर हम डेवलप करते हैं। ठीक,
शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अगर आप इस एकेडमी में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, इस एकेडमी से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, तो नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उस पे जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ एक बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, एक सैनिक स्कूल भी यहाँ पे है, उसकी क्या कुछ खासियत है वो भी हम आपको दिखाते हैं। खड़े हुए जो बच्चे हैं ये बिल्कुल देखिएगा 10-12 साल की उम्र के बच्चे हैं। अगर इस उम्र में कोई अगर बच्चा कोई भी साधन चलाना सीख जाता है तो वो बच्चा जो है वो कभी भी मार नहीं खाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। और ये बच्चे आज जो है वो सैनिक बनने की ट्रेनिंग जो है वो लगातार ले रहे हैं सैनिक स्कूल के अंदर। और ये सैनिक स्कूल जो है अथर्वा डिफेंस अकेडमी की ही दूसरी ब्रांच है, जहाँ पर 10 से 12 साल के बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। और ये बच्चे आगे जा करके जब सेना के अंदर अधिकारी बनेंगे तो ये बच्चे जो है वो किस प्रकार से देश सेवा कर सकते हैं, ये एक अलग ही विषय जो है वो सोचने वाला है। सर अगर बात करें तो 10-12 साल के बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर आप ले रहे हैं, तो बच्चों को जो है वो किस प्रकार से इस लाइन में जो है वो तैयार? देखिए, जो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या है, जो सैनिक स्कूल के अंदर जो एंट्री होती है, 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल की उम्र होनी चाहिए और 9th क्लास के लिए 13 से 15 के बीच में। तो हमने क्या है कि जैसे हम पहले आफ्टर 10th चलाते थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि क्यों ना हम छोटे से ही, जैसे हम कहते हैं ना एक प्योर प्यार करना, कि एक बीज शुरू से ही क्यों ना डाल दिया जाए, कि देख आप देखो 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक का एक मतलब कितना गैप होता है, कि अगर इस दौरान बच्चा एक ही माहौल में रहेगा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम 3rd क्लास से 3rd के बच्चे से लेके 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th वाले बच्चे को हम क्या सैनिक स्कूल, RMS, RIMC, कुरुक्षेत्र, गुरुकुल, इन सब की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। कितना टाइम हो गया सर आपको ये स्कूल चलाते हुए अब तक? देखो, सबसे पहले जो है हमने स्टार्ट किया था अथर्वा डिफेंस अकेडमी 2011 में, जैसे सर ने बताया, ठीक है। उसके 2 साल बाद जो है हमने अथर्वा सैनिक स्कूल जो है हमने स्टार्ट किया, ठीक है। उसी की ये क्या है एक छोटी सी मतलब कड़ी है और आज हम क्या है मतलब एक पूरा वृक्ष बन चुके हैं। अब अगर सर बात करें तो जो अथर्वा सैनिक स्कूल से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो अथर्वा डिफेंस एकेडमी में आते हैं या कहीं और भी? देखिए, जो इसके बाद क्या है कि अथर्वा सैनिक स्कूल बेसिकली क्या करता है, जो सैनिक स्कूल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जनवरी में जाके, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे को प्रिपेयर करता है। ऐसे ही RIMC का जो ऑल ओवर इंडिया जो है स्टेट वाइज एक सीट होती है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही RMS जो ऑल ओवर इंडिया 5 है, ठीक है, उनके एंट्रेंस एग्जाम जो दिसंबर में होता है उसकी हम तैयारी करवाते हैं बच्चे को। हाँ जी, ये सारा मॉड्यूल रहता है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब जो है वो अंत में हम बातचीत करते हैं जो अथर्वा डिफेंस एकेडमी के जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो इस वक्त शिक्षा जो वो ग्रहण कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सपना लेकर के वो आए हैं और उस सपने में अब तक कहाँ तक जो है वो पहुँच पाए हैं। क्या नाम आपका? मायसेल्फ पारस। कहाँ से आप? सिरसा से। सिरसा से, अच्छा, ये तो हमारे इलाके से ही है, मैं भी सिरसा से हूँ, ये भी सिरसा से है। कौन सा गांव आपका? सर खैरेका। खैरेका, अच्छा, तो यहाँ आए हुए आपको कितना टाइम? वन मंथ। अच्छा, क्या सपना लेकर के आप? सर आई वांट टू बी अ सोल्जर। ओनली सोल्जर या ऑफिसर? ऑफिसर भी सर, लेफ्टिनेंट एंड सोल्जर, तो भी अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो ये सपना है ये पूरा हो जाएगा? यस सर, लग रहा है, क्योंकि सर का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, हमारे स्टाफ जो है उनकी जो सेंस हमें समझाने की वो बहुत अच्छी है, इससे हमें लगता है कि हम अब कर सकते हैं। जब डिस्कशन होती है तो एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला जुनून भरा जाता है मन में, जुनून होता है, उत्साह होता है, जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो लेवल हाई करते हैं सर, भी जो भी हम कर सकते हैं भी अपना फुल सपोर्ट देते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका क्या नाम है? मलकीत। मलकीत कहाँ से आप? बरवाड़ा। बरवाड़ा, हिसार से ही है। अच्छा, तो आप जो है वो यहाँ पे क्या सपना लेकर के? नेवी में जाऊँगा। नेवी में, अच्छा, तो कैसी चल रही है तैयारी, कैसे तैयारी करवाई? बहुत अच्छी। फैसिलिटी कैसी है यहाँ? हॉस्टल भी है, हॉस्टल में भी मतलब अकेडमी के रूल्स हैं, सुबह ग्राउंड पे जाते हैं 4 बजे, फिर आके क्लास, फिर शाम को फिर मतलब लंच टाइम मिलता है, फिर बाद में क्लास, फिर थोड़ा रेस्ट और फिर सेल्फ स्टडी। मतलब कि यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, कंफर्टेबल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लड़कियों के लिए भी जो है वो खास क्लासेस जो है वो लगाई जाती हैं, हॉस्टल सुविधा है। तो ये 2 बच्चियाँ हैं मेरे साथ मौजूद जो कि आने वाले समय की ऑफिसर इनको कह सकते हैं। क्या नाम है गुड़िया? उपाश्रिता। कहाँ से हैं आप?
मैं हिसार से ही हूँ। हिसार से ही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप जो आई हैं वो तो क्या करने के लिए, कौन से कोर्स की तैयारी करने के लिए? मैं यहाँ पर एनडी की तैयारी कर रही हूँ एंड 12th मैंने यहीं से की थी, तो साथ के साथ ही उसकी एनडी की तैयारी चल रही है और अभी एग्ज़ाम है हमारा 3 सितंबर को। अच्छा, तो सपना क्या लेकर के आप यहाँ पे आए? बस मुझे एनडीए करने में और कोई लाइन चूज ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। अच्छा, मतलब कि डिफेंस में जाना है, डिफेंस में कोई ऑफिसर बनने का सपना है? हाँ जी, एयरफोर्स में जाना है मेरे को। एयरफोर्स में जाना है, ठीक है। तो क्या लगता है यहाँ पे पूरा हो पाएगा आपका सपना? हाँ जी, ज़रूर होगा। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं तो उस यहाँ पर रैंक्स निकाल रहे हैं, तो मैं भी पूरी उम्मीद के साथ इस बार कुछ करना चाहूँगी। अच्छा, करना चाहूँगी। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए अगर बात करें तो फैसिलिटीज जो है वो कैसी मिल पा रही हैं? हॉस्टल सुविधा है, और अगर यहाँ पे अगर बात करें तो एजुकेशन कैसे मिल पा रही है? बहुत अच्छा मिल रहा है। हिसार में मुझे सबसे अच्छी अकेडमी यही लगती है। मैंने बहुत जगह और भी पता किया था, बट उसके बाद यहाँ पर मैं आई एंड 12th भी इसीलिए यहीं से की मैंने, तो मुझे अच्छा लग रहा है, एजुकेशन वगैरह सब अच्छी मिल रही है। ऑल द बेस्ट। आप कहाँ से हैं? मैं भी हिसार से ही हूँ। क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि, अच्छा, तो अंजलि जी ये बताइएगा कि आप यहाँ पे क्या सपना लेकर के आई हैं और यहाँ पे क्या अभी फिलहाल में आप कर रही हैं? मैं अप्रैल 2023 में इधर आई थी और मेरे को भी इस एकेडमी के बारे में, मैंने भी बहुत जगह खोजा, फिर उस अंत में मैं इस एकेडमी पे आई और मेरा यह सपना है कि मैं एनडीए में ऑफिसर बनूँ आर्मी के अंदर, और वह सपना लेकर ही मैं इधर इस एकेडमी में आई थी। हाँ जी, तो लगता है कि आपका सपना पूरा हो जाएगा इस एकेडमी में? जी, जिस प्रकार हमें अनिल सर मोटिवेट करते हैं, बाकी जो मेजर कादयान सर हैं, बाकी जो भी टीचर्स हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और सुबह हमारे फिजिकल भी होता है, साथ के साथ हमारी फिजिकल की तैयारी, एसएसबी की क्लासेस और हमारा डेली रूटीन बहुत अच्छा बना रखा है। जोश, जुनून और जज्बा तीनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ बनी रहती हैं। यस सर, जोश, जुनून, जज्बा तीनों चीज़ें एक साथ हैं, और मैं चाहूँगी कि जितने भी गर्ल्स हैं, लड़के हैं, वो इस एकेडमी में ज़रूर आएं, क्योंकि आई गेस इधर से अच्छा रिजल्ट और कहीं सका नहीं होगा। ये चलिए, शुक्रिया। एक बच्चा और है, क्या नाम आपका? मेरा नाम तुषार। तुषार है, कहाँ से आप? मैं भी हिसार से ही हूँ। हिसार से हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कब आए थे और इस वक्त जो है वो आप यहाँ पे कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हैं? मैं पहले भी यहाँ पे 2018-19 में पढ़ चुका हूँ, तो मेरे को ये तो विश्वास था कि अकेडमी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद मैं अब 11th करने यहाँ पर दोबारा आया हूँ और एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ साथ के साथ। हाँ जी। सपना क्या लेकर के आए हैं? सपना बस एनडीए में ऑफिसर लगना है। ऑफिसर लगना है। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। क्या नाम है सर आपका? अजय। अजय, अच्छा, कहाँ से आप? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से? गाँव कौन सा है? जनानिया। जनानिया, अच्छा, ये सिरसा के पास में, चोपटा के पास? हाँ, वहीं से। अच्छा, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे एनडीए की तैयारी करने के लिए आया था, पिछले साल आया था 21 मई को 11th क्लास में, और यहाँ पे मुझे विश्वास हो चुका है यहाँ ये एनडीए लगवा देंगे सर। और मुझे यहाँ पे एक साल कोर्स करते हो गया, यहाँ पे अलग अलग मोटिवेशनल सेमिनार्स भी लगते हैं, और जैसे सुबह फिजिकल वाले सर भी फिजिकल भी करवाते हैं, अच्छी तैयारी हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं देसी भाषा में जानना चाहूँ तो आटा मान लो अपने देसी भाषा में जी पूछा करा है भी सिस्टम के है के तरिया हुआ है जुगाड़ बैठ जाए वो सही तरिया सिस्टम बहुत जरूर है एकदम सही जुगाड़ बैठा हुआ एकदम सही मतलब कि आके के तैयारी करवा है यार अब न्यू है डेली सवेरे फिजिकल होगा डेली और अब डेली हमारी पहले प्लस टू की क्लास अलग है बाद में एनडी की तैयारी होगा और जो बच्चा एसएसबी की तैयारी करनी चाहे उन्हें एसएसबी की तैयारी करवा सकते हैं। अगर कोई सपनों लेके आवे अभी मैं ऑफिसर बनना है तो वो पक्को बन सके? हाँ, जरूर बन सके। इन्होंने तो इंडियन आर्मी की कैप भी जो है वो लगा रखी है, ये पक्का आर्मी में जाने वाले हैं। कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं? ऑफिसर रैंक। ऑफिसर रैंक आर्मी में या नेवी में? आर्मी में। आर्मी में। अच्छा, तो कैसी तैयारी चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे करवाते हैं ये तैयारी? अच्छी करवाते हैं सर, और सुबह सुबह ट्रेनिंग वगैरह भी होती हैं, और फिर यहाँ पे दोपहर को एसएसबी क्लासेस भी लगती हैं, हमें ट्रेन करते हैं बढ़िया तरीके से, हमें बताते हैं कैसे एसएसबी क्या होता है, कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, और हमें पूरा मोटिवेट करते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, एक बच्चा जो है वो और यहाँ से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम आपका? आशुतोष। कहाँ से आप? हिसार से। हिसार से? हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या बनने के लिए आए हैं? मैं यहाँ पे आर्मी में ऑफिसर रैंक पे जाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो कैसी चल रही है तैयारी और इस अकेडमी की अगर खासियत की बात करें तो क्या आपको खासियत? मेरे को खासी लगती है कि यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है, और जो यहाँ का माहौल है बच्चों के साथ पढ़ने का, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, टीचर जो कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा हैं, हमें बताते हैं कि कैसे क्या करना है और आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और हमें यहाँ पे एसएसबी की भी तैयारी अच्छी से कराई जाती है। ठीक,
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपको बता दूं कि किसी भी संस्थान को सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अनुशासन, और वो अनुशासन की परिभाषा जो है वो इस अथर्वा डिफेंस एकेडमी के अंदर हमें भली भांति देखने को मिली है। क्योंकि इस कार्यक्रम को शुरू करने का समय 11 बजे था और 11 बजे जो है वो सही ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो इस एकेडमी में अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर लगातार डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और लगातार वीडियो के स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ। आप अपने बच्चे को यहाँ पे भेज करके अपने बच्चे के सपनों को साकार कर सकते हैं। और आपका भी अगर सपना है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी अधिकारी पद पे सेना के अंदर या जो है वो नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर अधिकारी बन करके वापस आए तो आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेज करके अपने भी सपने को साकार करने का काम जो है वो कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि किसी का सपना जो है वो पूरा करने में आप भी जो है वो एक छोटा सा योगदान दे सको।